बलवंत दास बैरागी के परिवारजनों ने प्रशासन से लिखित में आवेदन देकर मांग की है कि उनके परिवार को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों का कहना है कि जिलाधीश द्वारा इस आवेदन को शासन तक पहुंचाया जाए, जिसका लिखित आश्वासन या पत्र परिजनों को कलेक्टर के माध्यम से मिलने के उपरांत ही वे शव को यहां से ले जाएंगे। परिजनों की ये भी मांग है कि सुसाइड नोट में पटवारी और गिरदावर के नाम का उल्लेख है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए और जिन पर आरोप लगाया गया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वो मेरे पापा थे और उन्होंने ना जमीन के बाद में मतलब ये लगा रखा था केस, उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी सुनवाई नहीं, उनके रास्ता ही नहीं मिला उनको, उनकी वजह से उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। उनको एक तो पटवारी गिरधावर और एक नवीन पटवारी था और बहुत आदमी थे उसमें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मानसिक तनाव था उनको बहुत ज़्यादा, उनको ना तो कोई सुनवाई हुई ना कुछ भी नहीं हुआ उनको, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, सुसाइड नोट मिला है, उनमें पूरा लिख रखा है, उनने सब लिख रखे, पटवारी का नाम सारा लिख रखा उन्होंने, गिरधावर का सबका नाम लिख रखा उन्होंने। हमें बस न्याय चाहिए हमको तो बस। जो भी घटना हुई है दुखद है, उनके परिजनों से जो है हमने बात की है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सबसे पहले इंदौर रीति रिवाज से उनके जो मृतक के दाह संस्कार का वो करें, और परिवार के सदस्यों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जिले के कलेक्टर महोदय से चल के बैठ के उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। कलेक्टर महोदय स्वतः ही पूरा इस बात को लेके बहुत ही चिंतित और परीक्षण कर रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ, किस कारण से ये हुआ, इनके बताने से और स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद जैसी भी जो भी शासकीय पक्ष से संवेदनाएँ और उनकी सहायता है वो संपूर्ण रूप से उनको कमिट किया है कलेक्टर साहब ने कि वो उनके साथ। अभी परिवारजनों से बात हुई उनके लड़के और उनसे, तो इनके कोई ज़मीन का विवाद था, तो शायद तहसील से भी कुछ निर्णय हो चुका था, लेकिन अधिकारियों की और लापरवाही से ऐसा इन लोगों ने बताया कि उसको न्याय नहीं मिला, तो मजबूर होके वो करीब 10-12 नाम है जो भी नाम है सुसाइड नोट में वो लिख के, और उन्हें अपनी लीला समाप्त की है। बहुत दुखद घटना है अधिकारियों और इनकी लापरवाही से, जैसा इन लोगों ने बताया है, और जितने भी नाम उसमें सुसाइड नोट में है उन सब के खिलाफ कायमी होकर, और जिस तरीके से जो परिवार का उनका जो लड़का है उसने बताया, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से ये आज ऐसा दुखद घटना हुई है जो बहुत दुखद है। अब यहाँ से तो ऐसे ही लग रहा है कि अधिकारियों को पहुँचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुँचे, दुर्भाग्य। और मैं अपने स्तर से जो ऊपर लिखूंगा कि भाई ये ठीक नहीं मामला, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और पत्र लिखेंगे उनको। भाई साहब, मेरे गांव कुंचड़ोद में एक बहुत ही दुखद घटना आज सुबह हुई। सुबह 8 बजे बलवंत दास के बालक का फ़ोन मेरे पास आता है कि भाई साहब मेरे पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ है, नीमच जिला चिकित्सालय में हम ले जा रहे हैं, वहाँ व्यवस्था कराओ। मैंने यहाँ फ़ोन लगाया, यहाँ आने के बाद तुरंत 5 मिनट बाद इलाज नहीं शुरू हुआ, उससे पहले उस व्यक्ति की डेथ हो गई। अब मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उसने कोई सुसाइड नोट लिखा है, और वो सुसाइड नोट में जिला प्रशासन के खिलाफ राजस्व विभाग विशेष करके झिरन तहसीलदार और गिरधावर आदि लोगों का उसमें नाम लिखा है, और मेरे को अब पूर्णतः समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने मेरे सामने भी 2-3 बार बात करी थी कि उसके जो खेत का रास्ता किसी ने बंद कर रखा है, उसका प्रतिवेदन न्यायालय तहसील में दिया था, और उस तहसीलदार के वहाँ से फिर कोर्ट में गया, कोर्ट को आदेश हुए ना, साल भर हो गया कि इसको रास्ता दिया जाए, वहाँ गिरधावर तहसीलदार ने रास्ता नहीं खुलवाते हुए उस रास्ते की ज़मीन को किसी आदिवासी, जो कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के टाइम पट्टा मिला, वहाँ वो ज़मीन बता दी, जबकि वो सर्वे नंबर 2224 है, 20 हेक्टर से अधिक का उसका रकबा है, और रास्ता बंद कर दिया और प्रताड़ित हो रहा वो व्यक्ति। बार बार प्रताड़ित होने की वजह से मैंने 3 महीने पहले तहसीलदार जिरन को फ़ोन लगाया, मैंने कहा श्रीमान इस कार्य को देखें आप, और ये व्यक्ति प्रताड़ित हैं, ये कुछ घटना निकल रहा है, आप जाकर के संज्ञान में लें। ठीक है, मैं बताता हूँ सर अज्जी जी, आज दिनांक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज जब सोशल मीडिया और उसमें सुसाइड नोट उसने लिखा, उसके बाद पता चला कि वो उस प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाया, और दिमाग और दिल और दिमाग में उसके चढ़ गई थी, आज उसने सुसाइड कर लिया है। यहाँ देख करके मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कानून का कोई राज ही नहीं है, यहाँ नीमच जिला प्रशासन बिल्कुल निरंकुश
और उसका दुख मुझे भी है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला का अध्यक्ष हूँ और वो मेरे मंडल का उपाध्यक्ष था। आज यहाँ अभी सुबह 10 बजे उसकी डेथ हो गई है। पुलिस थाना जिरन लगता है, उस थाने के यहाँ कोई एक सैनिक तक यहाँ उपस्थित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जबकि जिले के कलेक्टर के नोटिस में है, जिले के सारे आला अधिकारियों के नोटिस में। हम मांग करते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। जिस अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही रही उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच करके उस अधिकारी को डिसमिस किया जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इस परिवार को शासन की स्तर से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और ये मुआवजा भी उस दोषी अधिकारियों से वसूला जाए। ये बहुत दुखद घटना है। एक व्यक्ति जो हमारे जीरन तहसील के कुचड़ोद ग्राम में रहने वाले हैं, उनके परिवार में भूमि का आपसी कोई विवाद चल रहा था जिसमें ये भूमियां शामिल खाते में दर्ज हैं और ये काका बाबा के लोगों के बीच में रास्ते को लेकर विवाद है, जिसमें कथित रूप से कोई सुसाइड नोट भी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है। परिजनों के द्वारा मुख्यतः जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई और विधिवत जाँच का आग्रह था, उसमें हमने कार्रवाई की है। जो संबंधित राजस्व निरीक्षक और पटवारी जिसका कथित रूप से जो सुसाइड नोट जो व्हाट्सएप पे वायरल है उनके वो निलंबित किया गया है और उसकी जांच शासकीय भूमि के कब्जे को लेकर है जो और वहीं से कोई एक रास्ता गुजरता है उसको लेकर है, उसकी विधिवत जांच की जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में परिजनों को आश्वस्त किया गया है। बाकी मृतक के परिजनों के द्वारा जो है वो मुआवजा राशि और शासकीय सेवा की मांग की गई है, तो उनकी जो भी मांगें हैं वो ग्रहण कर ली जा रही हैं और तत्काल उसका प्रकरण बना के और व्यवस्थित जो सक्षम फोरम है उस पर भेज दी जाएगी। इसमें अभी सुसाइड नोट तो बहुत प्रारंभिक तौर पर हमें भी व्हाट्सएप पर ही मिला है, तो उसमें विधिवत विवेचना होगी और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राज शिंदे की रिपोर्ट।